नमस्कार, मैं हूँ ज्योति सजार, रमल ज्योति सजार किस तरह किशन शर्मा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज का दिन क्या है, आज जो है 10 फरवरी 2018 और आज चंद्रमा धनु राशि में संचार कर रहा है और साथ ही आज जो है एकादशी प्रारंभ कब से होगी, 2:44 से, उससे पहले दसवीं तिथि रहेगी, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और आज का जो शुभ समय है उसके बारे में बता दें। आज जो है शुभ समय आपका है 10:40 से लेके 9:35 तक का समय रहेगा, उस दौरान कुछ भी दान पुण्य का निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और हम आज आपको बताते हैं किस बारे में बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि आज जो है आपको वो उपाय कि यदि लगता है कि आपके घर में कुछ अनजानी चीजें, कुछ ऐसा लगता है कि घर में कुछ अशुभ प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्या करें खास उपाय, उस पर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज आपका दिन। बात करें मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए भाग्य के पासे क्या कहते हैं, आपके लिए जो नंबर निकला है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 2, अगर काउंट करते हैं नंबर 8 निकला है, तो यहाँ पर बता दें मेष राशि वालों आज क्या करना है। आज जो है कोई भी लोहे से संबंधित कोई भी सामान जो है ना खरीदें, क्योंकि आज हो सकता है लोहे के सामान आज खरीदें तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो है आज आपको क्या करना है, आज जो है गरीबों में थोड़ा सा भोजन वगैरह या कुछ खाने की वस्तुएं अगर वितरित करते हैं, जरूरतमंद को देते हैं, तो आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर निकला है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, आपके लिए भी 8 नंबर निकला है, तो वृषभ राशि वालों आज आपके लिए बता दें आज आपको हो सकता है कोई नया ऑफर मिले, नई कोई आपकी योजना है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाए, मगर उस पर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मगर आज किसी को उधार ना दे ना उधार ले। चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर क्या निकला है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, अगर काउंट करते हैं नंबर 6, भाई मिथुन राशि वालों आज हो सकता है किसी मांगलिक कार्य में आप जाएं, किसी के शादी विवाह में आज आपको जाने का मौका मिल सकता है जो आपके लिए अच्छा है, कोई पार्टी वगैरह किसी में आप जा सकते हैं, मौज मस्ती का आज का दिन आपका रहने वाला है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के पासे क्या कहते हैं, आपके लिए बता दें जो नंबर निकला है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 2, काउंट करा नंबर 8 आया भाई कर्क राशि वालों, ये बता दे आज आपको क्या करना है, आज जो है हो सकता है वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा जो है कष्ट होगा। इसके अलावा जो है घर में किसी के साथ में आज जो है लड़ाई वाद विवाद ना करें तो अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, अगली राशि हमारी सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर जो निकला है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3, 9 नंबर निकला है, सिंह राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे कि आज जो है कोई काम काज का कुछ ऐसा ऑफर आपके जो है परिवार के या पिता के परिवार की तरफ से जो है आपको आने वाला है, भाई की तरफ से भी जो है कुछ अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, हो सकता है भाई की जॉब वगैरह का कुछ अच्छी खुशखबरी आपको मिले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको सुख प्रदान कर सकती है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, अगली राशि हमारी कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए भाग्य के पासे क्या कहते हैं आपके लिए बता दें, कन्या राशि वालों नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अगर काउंट करा तो ये नंबर है हमारा 9 नंबर और 9 नंबर के लिए कन्या राशि वालों ये बता दें आज जो है आपको हेल्थ पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही जो है आज जो है क्या है कि वाहन वगैरह जब चलाते हैं तो उसमें जो है थोड़ी सी रफ्तार जो है कम रखिएगा, क्योंकि तेज़ रफ्तार में कोई कष्ट हो सकता है, यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अब चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि, अगली राशि हमारी तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर क्या निकला आपके लिए जो नंबर निकला है नंबर 4, नंबर 4, नंबर 2, 10 नंबर, 1 नंबर सूर्य का, आपके लिए बता दें तुला राशि वालों आज जो है पिता का सम्मान करें, पिता के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें कि और अपने विचारों को थोड़ा सा और भी ज़्यादा किसी के साथ में मिलके सलाह लेके विचारों को तब जो है आगे बढ़ाएं, तभी कोई अच्छा रहेगा, यानी किसी की सलाह लेनी है, पिता की सलाह लीजिए, बड़ों की सलाह लीजिए, तब अपने जो विचार हैं कहीं भी जो है अगर रखना चाहते हैं कामकाज के लिए तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं अपनी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य के पासे क्या कहते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर है नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, 10 नंबर का 1 नंबर सूर्य का है, जैसे कि यहाँ बता दें वृश्चिक राशि वालों आपके लिए क्या है कि आज जो है सरकारी कार्य में बहुत ज़्यादा जो है अटकलें आ सकती हैं, मगर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान रहेंगे, ध्यान देना है आपको। हम बात करें अपनी अगली राशि,
धनु राशि वालों के लिए भाग्य के पास से क्या कहते हैं, नंबर है 4, नंबर 4, नंबर 1, 9 नंबर निकला है। तो धनु राशि वालों यहाँ पर एक चीज बता दें, आज आपको क्या करना है भाई, आज हो सकता है, पहले तो ये बता दें आपके साथ हो क्या सकता है, होगा ये थोड़ा पेट से संबंधित कुछ जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बता दें, कोई ऐसे कोई किसी महिला के साथ में आपकी अनबन हो सकती है, महिला के, अगर महिला है तो महिला के साथ, पुरुष है तो पुरुष की भी महिला के साथ, महिला से थोड़ा सा जो है अनबन ना करें जो आपके लिए अच्छा नहीं है। मगर आज जो है आपने करना क्या है, किसी को दान पुण्य जरूर कर दीजिएगा अपाहिज को। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर क्या कहता है, आपके लिए यह नंबर निकला है नंबर 1, नंबर 4, नंबर 1, 6 नंबर निकला है। बता दें आज जो है शॉपिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं, कुछ खर्च भी कर सकते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा भी रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कुंभ राशि वालों, आपके लिए क्या कहते हैं भाग्य के पासे, आपके लिए जो नंबर निकला है नंबर है 4, नंबर है 1, नंबर है 4, 9 नंबर निकला है। आज कुंभ राशि वालों के लिए बता दें, आज जो है कहीं पार्टी वगैरह में जाएंगे तो वहां पर किसी के साथ अनबन हो तो उससे आपको बचना है, और किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि मित्रों में छुपा कोई शत्रु जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब चलिए बात करते हैं अपनी अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए जो नंबर निकला है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 2, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 8 नंबर निकला है। 8 नंबर के हिसाब से मीन राशि वालों एक चीज़ बता दें, आज जो है अपनी वस्तुओं को ध्यान से रखना है, हो सकता है चोरी वगैरह हो जाए, जो बड़ी मेहनत से कमाई हुई चीज़ है, यानी कि धन की बात करते हैं, धन का कुछ ना कहीं जो है खोने का डर यहाँ पर आपको सता सकता है और धन खो भी सकता है, ध्यान रखिएगा। ये था 12 राशियों के अनुसार आज का दिन। अब हम बताते हैं, यदि आपको लगता है आपके घर में कुछ ऐसी ऐसा लगता है, कुछ अनजानी चीज़ें दिखती हैं, तब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, एक तो खुले हुए जल का पात्र रखना है अपने घर में, शनिवार और मंगलवार के दिन लोबान की धुनी देनी है, खुले हुए जल के पात्र में कहते हैं जो भी नकारात्मक चीज़ें होती है वो जल में आ जाती हैं, सुबह उस जल को लेके आपने किसी वीरान जगह में या किसी ऐसे मिट्टी वाली जगह में या नाली में डाल दीजिए, इससे क्या है आपके घर का वातावरण अच्छा रहता है। शंख की ध्वनि जरूर शाम के वक्त जरूर करिएगा, जिससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। ये रहा हमारा एस्ट्रो तक में खास उपाय। अब हम एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक मेरे साथ देखते रहिए एस्ट्रो तक। जय महादेव।